तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे फोटोशॉप में 3D टेक्स्ट कैसे बनाएं। उससे पहले आपने मेरा चैनल यो ओरिजिनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करें। फिर इसके लिए आपको फोटोशॉप ओपन करना पड़ेगा जैसे मैंने कर रखा है यहाँ पे। उसके बाद आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। न्यू पे जाके देखो साइज आ रहा है, साइज डालना पड़ेगा यहाँ पे हमें। मैं जैसे डालता हूँ विड्थ है 1920 और हाइट है 1080। फाइल क्रिएट होगी, एक वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। इसके बाद हमें लिखना है तो हम एक टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करते हैं नीचे जाकर, देखो टीक बना होगा, उस पर क्लिक करना है हमको। उसके बाद हमको ऊपर जाकर साइज सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप कोई भी साइज ले सकते हो, जैसे मैंने 30 लिया मैंने। उसके बाद हमको कोई भी टेक्स्ट डालना है, जैसे मैं डालता हूँ पर्सपेक्टिव। फिर वहां पे कर्सर करके इसको बीच में लाना है, देन साइड वाले बार में जाकर हमको रास्टराइज टाइप हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद ट्रांसफॉर्म जाके करते हैं इसको सिलेक्ट, फिर इसको मोड़ते हैं टेढ़ा टाइप थोड़ा। इसको मोड़ने के बाद हमको उस आइकन पे जाकर दबाना है और ऑल्ट प्लस राइट साइड एरो की 10 बार, हमें ऐसी 10 फाइल कॉपी करनी है। होगी कॉपी। उसके बाद हमें सबसे जो हमने जिस फाइल से कॉपी की है सबसे शुरू वाली, उसको ऊपर लाना है, तो हम इसको उठा के ऊपर लाते हैं, ऊपर आ गई। उसके बाद हमको जाना है इफेक्ट पैनल पे जो एफेक्ट्स सब बना होगा, और यहाँ पे हम कलर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे कि मैं येलो लेता हूँ। ओके, यहाँ से ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं बन चुका है। हम यहाँ से इसको सेव करते हैं। ये मैंने डाला, ये इमेज से सेव हो गई यहाँ पे। उसके बाद मैं जाके प्रोजेक्ट सेव कर लेता हूँ। फोटो चूज करके हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, नाम डाला, सेव पे क्लिक किया, ये सेव होगी, सेव ओके। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आपके बड़े काम आएगी।